हेलो ब्रेवन, जामिया मिलिया इस्लामिया एमसीए का फॉर्म ओपन हो चुका है। जो लोग बच्चे ऐसे हैं जो कि भरना चाहते हैं, स्पेशली ऐसे बच्चे जो मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जामिया वालों को, और देना भी चाहिए क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा कंसेशन रहते हैं। और ऐसे बच्चे जो मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, वो लोग भी भर सकते हैं। और इसका फॉर्म ओपन हो चुका है, आप लोग भर सकते हैं। सारी ब्राउजर यहाँ पर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं, आप इसको भर दीजिएगा। डेट्स की बात करूं तो डेट्स जो है प्रैक्टिस 1 मार्च को आ गया है। 3 मार्च से आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अवेलेबल है, ये 3 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि 1 महीने का टाइम है पूरा। एंड ओपनिंग ऑफ फॉर्म फॉर 18 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच, यानी कि 4, 5, 6, 3 दिन ये ओपन रहेंगे। एडमिट कार्ड आपका 10 अप्रैल को ये जो है डाउनलोड कर पाएंगे। एंड कमिसमेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 15 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग क्वालिफाइंग रिजल्ट एग्जाम रिजल्ट 30 सितंबर, 30 सितंबर तक अपनी क्वालिफाइंग रिजल्ट को सबमिट कर पाएंगे, यानी कि जो आपने बीसीए बीएससी किया है वो अपनी रिजल्ट को सबमिट कर पाएंगे 30 सितंबर तक। ये आपका डेट रहे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये है कि जो एग्जाम टेस्ट सेंटर है वो बहुत कम है, 7 टेस्ट सेंटर है। पहला है तिरुवनंतपुरम, सेकंड इज दिल्ली, थर्ड इज कोलकाता, फोर्थ इज गुवाहाटी, फिफ्थ इज लखनऊ, सिक्स इज पटना, एंड लास्ट इज श्रीनगर। ये 7 टेस्ट सेंटर है, यही पर आपको एग्जाम देना होगा। इसके बाद अगर आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। 7 आपके पास टोटल जो है एग्जाम सिटीज है। ओके, अगर मैं बात करूं एमसीए की एलिजिबिलिटी की, तो कोई भी बैचलर डिग्री हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स, उनके पास 60% मार्क्स नहीं है अपने ग्रेजुएशन में, उनके पास एक अच्छा ऑफर है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में हो, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, उसके इक्विवेलेंट को आप भर सकते हैं। या कोई अदर डिसिप्लिन विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, यानी कि प्लस में आपका मैथमेटिक्स हो, आप भर सकते हैं, राइट। इनकेस कैंडिडेट मस्ट आइदर प्रोड्यूस ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग एटलीस्ट 6 क्रेडिट ऑफ कंप्यूटर साइंस कोर्स, ठीक है। मतलब आपके पास जो है कंप्यूटर साइंस कोर्स जरूर हो एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, तभी आप इसमें बैठ सकते हैं। मतलब लेकिन वो किसके लिए है, इस वाले ऑप्शन के लिए हो। अगर आपने कोई और कोर्स कर रखा है, आप इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशन के बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपके पास कोई कंप्यूटर साइंस का कोर्स हो, एटलीस्ट सी ग्रेड हो या 50% मार्क्स उसमें हो, तो आप इसमें बैठ सकते हैं, राइट। इन्होंने ऐसा एक ऑप्शन रख रखा है, राइट। एंड बात करूं इसके डिपार्टमेंट की, तो एक डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत एमसीए आता है। और एग्जाम डेट की बात करूं तो 21/5/2023 यानी 21 मई को एग्जाम होने वाला है। अगर मैं बात करूं एग्जाम का, तो 21 मई को एग्जाम होगा 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में। एंड विद इन 22 to 25 डेज ऑफ डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट आपका जो होगा रिजल्ट वो डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब 20 से 25 दिनों में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बातें नहीं है। ओके, अगर मैं बात करूं जामिया में एमसीए के कोर्स का, तो ये टोटल 2 साल का कोर्स है, यानी कि 4 सेमेस्टर होंगे। एंड 50 सीटों पे एडमिशन लेने वाले। बात करूं मैं फीस की, तो 8,500 यानी कि 8,500 रुपए आपको पर ईयर फीस देना होगा। एंड 17,000 में आपका एमसीए कंप्लीट हो जाएगा पूरे 2 साल का, ठीक है। पूरा एमसीए आपका 17,000 में कंप्लीट हो जाएगा, ये एमसीए का फीस है। और अगर हल्का पूरा चार्ज लगता है, मतलब ये आपका 17,000 सिर्फ फीस की बात करूं, रहना एंड खाना हॉस्टल में फीस अलग है, वो आप मेरे चैनल जाके देखिएगा, डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है कितना फीस लगता है, उसके बारे में जाके पता कर लीजिएगा, वीडियो देखिए पता लग जाएगा। एंड उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट। तो ये रहे एमसीए के बारे में। फटाफट जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं भरें, लेट मत करें, फॉर्म फिल करें, समय पर फॉर्म फिल करना सबसे अच्छी बात होती है, तो फॉर्म को फिल करिए। एंड वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। कोई डाउट के लिए कैन कॉन्टेक्ट विद अस। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें फॉर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एमसीए, बीटेक एंड बीसीए, राइट। थैंक यू।